Hey guys, welcome back. और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे W26 वर्सेस FK75 स्मार्ट वॉच का और देखेंगे इनमें से कौन सी स्मार्ट वॉच आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस एप्पल वॉच सीरीज 6 का क्लोन है। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 ऐसे पॉइंट जिनको कंसीडर करके आप कोई भी स्मार्ट वॉच को खरीद सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। डू यू नो गाइस, आपका डेटा कलेक्ट करके काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं विद योर डेटा। सो आज हम बात करेंगे टिकी एप्लीकेशन के बारे में जिसकी हेल्प से आप काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिकी ऐप। सो गाइस, सबसे पहले ये आपका डेटा कलेक्ट करती है, लाइक आप अपने डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एंड उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। सो इट्स टोटली सेफ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिक्योर है। यहाँ पर आप दिए गए लिंक से साइन अप कर सकते हैं, नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ईमेल एंड फोन से आप साइन अप कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू लिंक योर अकाउंट विद टिकी ऐप। सो अगर आप मंथली अर्निंग करना चाहते हैं तो यूज़ कीजिए टिकी एप्लीकेशन को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गो एंड चेक आउट। सो फर्स्ट पॉइंट है डिज़ाइन। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस का लुक आपको यहाँ पर एप्पल वॉच सीरीज 6 का देखने को मिल जाता है। साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सिमिलर बटन्स देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आपको FK75 में एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिल जाता है जो कि वर्क नहीं करता, जस्ट एक डमी बटन की तरह ये दिखाई देता है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको सेंसर्स मिल जाते हैं एंड सिमिलर लुक देखने को मिल जाता है। अगर स्ट्रैप क्वालिटी की बात करें तो आपको सिमिलर स्ट्रैप क्वालिटी ही देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल दोनों स्मार्ट वॉचेस का साइज एंड यहाँ पर आपको स्ट्रैप सिमिलर देखने को मिल जाता है। सो आपको कौन सी स्मार्ट वॉच अच्छी लगी कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है और अगर हम यहाँ पर W26 की बैटरी के बारे में बात करें तो ये सिर्फ 2 दिन तक चलती है और FK75 3 डेज तक चल जाती है। तो बैटरी के मामले में FK75 थोड़ी सी आगे है और W26 की जो ब्राइटनेस है वो उसी के कारण ही कम बैटरी निकाल पाती है एंड इसमें आपको ब्राइटनेस लेवल का ऑप्शन नहीं मिलता, तो FK75 विन कर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉलपेपर्स। तो यहाँ पर हम W26 की बात करें तो इसमें आपको लिमिटेड वॉलपेपर्स ही देखने को मिलेंगे। आप इसमें एक्स्ट्रा कोई भी अपना वॉलपेपर नहीं लगा सकते हैं और ना ही आपको इसमें अनलिमिटेड वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है। बट अगर दूसरी साइड हम बात करें FK75 की तो उसमें आप अनलिमिटेड वॉलपेपर्स को लगा सकते हैं, लाइक अपनी गैलरी में से कोई भी फोटो को सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। सो W26 में आपको लिमिटेड वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको 75 में जो वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। एंड अगर आप ऐप के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई भी वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, लाइक कुछ इस तरह की आपकी स्मार्ट वॉच को अमेजिंग लुक देना चाहते हैं, तो आप FK75 को खरीद सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देती है और आप इसमें अनलिमिटेड वॉलपेपर्स लगा सकते हैं। सो इस पॉइंट को FK75 विन कर जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्ले। तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में काफ़ी अच्छा खासा डिस्प्ले दिया गया है, बट यहाँ पर हम एक को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कौन सी स्मार्ट वॉच बेस्ट है। तो दोनों में यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी का पैनल देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो W26 की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ब्राइट है। इसमें आपको ब्राइटनेस लेवल का ऑप्शन मिल जाता है, बट FK75 में आपको कोई भी ब्राइटनेस लेवल का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर आपको जो एकदम लिमिटेड सेट की हुई ब्राइटनेस देखने को ही मिलती है एंड यहाँ पर आपको एज टू एज डिस्प्ले यहाँ पर आपको W26 में देखने को मिलता है। एंड अगर FK75 की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको नीचे की ओर ग्लिच देखने को मिलता है अगर आप डिस्प्ले में यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट करते हैं तो। और जो W26 की यहाँ पर डिस्प्ले दी गई है काफ़ी ब्राइट है और यहाँ पर आपको जो स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पर FK75 में नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट क्वालिटी। तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको बेस्ट क्वालिटी मिल जाती है, बट यहाँ पर हम एक क्वालिटी की बात करेंगे जो कि आपको एक ही स्मार्ट वॉच में मिलेगी। तो जो क्वालिटी है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन की क्वालिटी मिलेगी एंड ओवरऑल लुक तो यहाँ पर आपको सिमिलर मिलता है दोनों में। अगर हम दोनों की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर जो मेरे को सबसे बेस्ट डिस्प्ले लगी वो है W26 की, और अगर हम FK75 की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिम ब्राइटनेस वाली जो डिस्प्ले है वो मिलेगी। बट अगर हम कंपेयर करें W26 के साथ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चिन्ह है वो भी काफ़ी बड़ा है FK75 में, और यहाँ पर आपको जो एप्पल लुक देखने को मिलता है वो आपको W26 में ही मिलेगा और ये बिल्कुल आपको एप्पल लुक की फील देगी।
सो इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में आपको कौन सी स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे को यहाँ पर W26 की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू 75, और दोनों ही स्मार्ट वॉचेस की अपनी अपनी खासियत है, बट यहाँ पर मेरे को W26 काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि मेरे को लुक एंड फील के लिए स्मार्ट वॉचेस चाहिए तो मैं W26 को प्रेफर करूँगा। अगर आपको यहाँ पर दोनों में से कोई भी स्मार्ट वॉच खरीदनी है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में है एंड इंस्टाग्राम पर आप मेरे को DM कर सकते हैं। एंड दोनों ही स्मार्ट वॉचेस प्रीमियम क्वालिटी स्मार्ट वॉचेस है एंड लुक एंड फील में यहाँ पर आपको एप्पल वॉच सीरीज 6 का फील देगी। और अगर हम मेन्यू की बात करें तो यहाँ पर जो मेन्यू है वो W26 में आपको बिल्कुल सिमिलर एप्पल वॉच की तरह ही मिलेगा, और अगर हम FK75 की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लैगी फील होगा, बट मेरे को यहाँ पर क्वालिटी इस स्मार्ट वॉच की अच्छी लगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इन स्मार्ट वॉचेस को ख़रीदना चाहते हैं मेरे से तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अमेज़ॉन पर ही चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और टिकी ऐप को भी यूज़ चेकआउट कीजिए और अगर आप अर्निंग वगैरह करना चाहते हैं। सो मैं मिलता हूँ अगले एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय।